कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा के पास बक्का लादकर जा रहे ट्रक ड्राइवर से अज्ञात बदमाशों ने 30,000 रुपए और मोबाइल फोन की लूट कर ली थी। घटना के बाद कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को अकबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के 30,000 रुपए, एक मोबाइल फोन और एक तमंचा सहित दो कारतूस और लूट के लिए इस्तेमाल की गई कार को बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश इटावा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई साहब ने, आप भी सुनिए। सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि 12 टोल के पास एक ट्रक खड़ा था और उसमें ड्राइवर और क्लीनर थे, तो उनके द्वारा सूचना दी गई कि कुछ एक गाड़ी में सवार कुछ लोग आए और उनके द्वारा इनसे 30,000 रुपए व दो मोबाइल लूट के जो है वो घटना की गई। घटना की सूचना मिलते ही हमारी पूरी पुलिस की जो टीम थी वो सक्रिय हुई। एडिशनल एसपी स्वयं सक्रिय हुए और उन्होंने क्षेत्राधिकारी अकबरपुर थाना प्रभारी अकबरपुर व अन्य टीम को भी सक्रिय किया और नाकेबंदी की क्षेत्र की। इसी दौरान जो दो इसमें प्रमुख अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभिषेक उर्फ मोइन निवासी थाना कोतवाली इटावा का रहने वाला है, इनका संभवतः गैंग लीडर प्रतीत होता है, और साथ ही साथ उमर पुत्र मुन्ना ये भी उसी जगह का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस के द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके अतिरिक्त दो अभियुक्त जो थे वहां मौके से भाग गए और एक व्यक्ति जो जिस गाड़ी में वो आए थे उसका ड्राइवर था, उससे अभी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है कि उसकी इस मामले में कितनी संलिप्तता है। अगर संलिप्तता पाई गई तो उसको भी दंडित किया जाएगा। ऐसे में पुलिस की टीम द्वारा बहुत तत्परता से कार्रवाई की गई, बहुत अच्छी कार्रवाई की गई और तत्काल प्रभाव से दो लोगों को पकड़ के इसमें जो मैंने बताया 30,000 रुपये, एक मोबाइल, घटना में प्रयुक्त कार और कुछ तमंचा कारतूस बरामद किए गए। इसके लिए जो पूरी टीम है वो प्रशंसा की पात्र है, बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया है। जो बचे हुए दो अपराधी हैं उनकी भी हमारी टीम विभिन्न स्तर पर टीम गठित हो चुकी है, क्षेत्राधिकारी SOG थाना की टीम, और उनकी तलाशी सघनता से की जा रही है। आवश्यकता अनुसार इन पे इनाम कराया जाएगा और इस पर पूरे गैंग पे गैंगस्टर भी लगाया जाएगा।